झारखंड में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल सही समझे, 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024। लेकिन बताया जाए कि पूरे दिन के लिए नहीं, जी हाँ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है झारखंड में, लेकिन पूरे दिन के लिए नहीं, सुबह लमसम 8 बजे और दोपहर के 1:30 बजे तक, क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है, जी हाँ JSSC का एग्जाम हो रहा है झारखंड में। तो जिस तरह पिछले कई सालों या पिछले कई महीनों से जिस तरह पेपर लीक या बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो इंटरनेट के थ्रू लीक हो जाने के कारण, इस बार झारखंड सरकार ने कुछ अलग निर्णय लिया जिस कारण इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी का सबसे बड़ा निर्णय है कि या हर एग्ज़ाम में इस तरह का इंटरनेट बंद किया जाएगा, या सिर्फ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बंद किया जाएगा, या कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इंटरनेट बंद किया जाएगा, क्या ये हर बार इसी तरह होगा या कुछ अलग इसके साथ ट्राई किया जाएगा, ये सबसे बड़ी लोगों के लिए एक सोचने वाले बात है। हर युवा के मन में यही शंका है कि अगर मान लीजिए इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई अगर इधर उधर से दूर से आते हैं तो वो किस लोकेशन, मतलब पूछते पूछते, ये तो बात सही है लेकिन इंटरनेट होता है तो कहीं ना कहीं वो गूगल मैप के थ्रू या किसी के कॉल के थ्रू, लेकिन गूगल मैप का सहयोग होने के कारण आदमी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस बार जो सरकार ने, झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया JSSC के लिए कि 21 सितंबर 22 सितंबर को जो उन्होंने इंटरनेट पूरी तरह से मतलब काम करना बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरह पिछले महीने से, तो इसी बात से तो युवाओं का यही कहना है कि क्या जिस तरह आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम होगा, क्या इसी तरह एग्ज़ाम जिस दिन पड़ेगा क्या उस दिन के लिए इंटरनेट बंद किया जाएगा या चलता रहेगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है कि इस तरह का जिस तरह माहौल बना इंटरनेट का, तो क्या ये सही है या गलत है। हर युवाओं के मन में इस तरह का संकोच बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हर लड़के को हर जगह के रास्ते का मालूम या पते का मालूम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग गूगल मैप का थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि हर युवा जानकार नहीं होता है, इसलिए अपने क्षेत्र में जानकारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह उनके पास जानकारी इकट्ठा होती है। हालांकि बायचांस पूछते हैं, लेकिन किसी को भी आप पूछने के लिए कितना वक्त तक फ़ोन करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन अगर आप किसी को 10 बार 20 बार फ़ोन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इरिटेट होकर परेशानी उसको भी लगेगा, यार क्या बार बार कर रहा है, अगर एग्ज़ाम देना है तो एक दिन पहले या जो भी हो लोकेशन देखना। लेकिन एक गूगल मैप ऐसी चीज़ होती है आजकल का ज़माने में, आजकल का जनरेशन में जो चल रहा है गूगल मैप के थ्रू, कि आप किसी को अगर नहीं पूछते हो तो भी आप उस लोकेशन पर पहुँच सकते हो, बाई चांस एक दो ओवर मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आप फिर भी पहुँचने की कोशिश हो जाती है कि आप पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस कारण ये हुआ, क्या ये वाकई करना सही था सरकार की तरफ से या नहीं करना था, ये हर लड़के लोग के बात है, क्योंकि झारखंड की बात के तो झारखंड में ये बहुत ही निर्णय अजीब निर्णय इसको बताया जा रहा है, क्योंकि हर लड़के के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकोच मतलब अंदर ही अंदर लग रहा है कि भाई हम देखे नहीं है गूगल मैप के थ्रू कैसे पहुंचेंगे, गूगल मैप भी नहीं है, और बताने से पर बताएगा कोई तो कोई इधर बताए कोई इधर बताएंगे, लेकिन गूगल मैप के थ्रू वो सही लोकेशन पर पहुँच सकते हैं, इसमें क्या किसी से पूछने फिर टाइम वेस्ट देखने के लिए। तो क्या आपको लगता है अगर आप भी एग्ज़ाम देते हैं या आप भी झारखंड में, आपको लगता है कि ये निर्णय जो लिया गया वो सरकार की तरफ से सही है या गलत है, जो भी लगता है आपको कमेंट करें। और लेकिन यही चीज़ अभी तक के सबसे निर्णय है कि 22 सितंबर 21 सितंबर, जी हाँ 21 सितंबर 22 सितंबर को सुबह लमसम जो भी हो वैसा काटा जाएगा जब तक कि एग्ज़ाम हो ना जाए, ठीक है। ये निर्णय लिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से, और ये निर्णय लिया गया है इसी के तहत देखते हैं क्या कितने सारे लोग हैं, ठीक है। तो अभी तक का सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड में इंटरनेट की सुविधा काट दी गई थी 21 सितंबर को, और इंटरनेट सुविधा जब तक JSSC क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम तब तक नहीं दी गई है। तो ये एक तरह से देखा जाए कि लड़कों पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। और बाकी ट्राई करते हैं, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया ये कहीं ना कहीं सही है कहीं ना कहीं गलत है, जो भी लगे आपको रिप्लाई दीजिए। अगर फिर भी कुछ भी नहीं लगे तो लाइक कर दोस्तों, बाकी आपका दोस्त सपोर्ट करते रहे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।